हाय गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ जो हमारे बाइक में अभी तक कितना मॉडिफिकेशन हुआ है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो उसको अभी हम स्टार्ट करते हैं। मॉडिफिकेशन क्या है उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और हमारे बाइक लेके अभी एक 5 साल हो गया, अभी बाइक 5 साल हो गया। अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरा बाइक कैसा है करके, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग मेरा बाइक को थोड़ा देख लीजिए, इसको आप लोग नहीं बोल सकते ये 5 साल हुआ है करके। बाइक को आप लोग देख सकते हैं, मेरा फेयरिंग आफ्टर मार्केट है। इस फेयरिंग को मैंने आफ्टर मार्केट फिट किया था। ये भी आप लोगों ने देखा होगा शायद यूट्यूब में, मेरा वीडियो है इससे पहले से। और उसके बारे में हमने क्या किया है, एक मिरर इंडिकेटर फिट किया था दोनों साइड। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों मिरर इंडिकेटर है। इसको भी चला के देख दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस साइड में और उस दोनों साइड में, यहाँ पे दिख लीजिए। उसके बाद हमने क्या किया है, एक इंडिकेटर बल्ब चेंज कर दिया। पहले हमारा ऐसा हेलोजन बल्ब था, उसके बाद हमने क्या किया, इसको एलईडी का फिट कर दिया। आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड में और चारों इंडिकेटर में हम लोगों ने चेंज कर दिया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये पीछे का रेयर इंडिकेटर है दोनों साइड में। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक यहाँ पे एक विनाइल का रेडियम जैसा ब्लैक कलर का लगा दिया उसके उसके लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड में हमने इसको लगा दिया है। ये दिखने में केटीएम जैसा दिख रहा है। उसके बाद हमने क्या किया है, फॉग लैंप चेंज कर दिया। दोनों साइड में हमने फॉग लैंप डाल दिया है, लेकिन पहले हमारा जो प्रोजेक्टर जैसा फॉग लैंप था उसको हमने हटा दिया। उसके बाद हमने ये वाला डाल दिया, ये 9 LED का है दोनों साइड में। इसका भी आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा शायद, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा ये नंबर प्लेट है ना उसको फ्रेम बिठा दिया दोनों साइड में। ये रेयर है और फ्रंट का भी सेम ऐसा ही है, आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद में हमने एक वार्निंग टैग लगा दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिखने में थोड़ा यूनिक दिख रहा है। उसके बाद हमने क्या, एक बाइक ब्लेजर करके है इसको हमने बिठा दिया है। ये जो बाइक को कवर करता है आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों को बता दें, ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोग एकदम आसान है, फटाफट से कवर हो जाएगा बाइक में। तो कवर करना भी आसान है, इसको ये जो हैंडल है, हैंडल थोड़ा घुमा दिया तो हो गया, कवर हो जाएगा। इतना आसान है इसको बाइक को कवर करना और उसको निकाल के उसको फोल्ड कर देना। ये सेमी ऑटोमेटिक जैसा है, आप भी इसको चाहिए तो बाय कर सकते हैं। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। आप लोग देख सकते हैं मेरा, मैंने इसको मिरर को छोटा मिरर बिठा दिया है दोनों साइड में बिठा दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसा दिख रहा है करके, एकदम देखने में। उसके बाद हमने एक मोबाइल होल्डर फिट किया है, उसको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग मोबाइल होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा मोबाइल है, मैं इसको इस तरीके से इसमें हैंडल इसमें अटैच कर दूंगा। ये चाहिए तो आप लोग कैसे भी इसको रोटेट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को चाहिए तो मैप डाल के, गूगल मैप डाल के आप लोगों को कौन सा भी आप एरिया ढूंढना है तो आप लोग यहाँ से आराम से ढूंढ सकते हैं। इसको हम लोग कैसे भी इसको रोटेट कर सकते हैं आपकी अपनी मर्जी से, जैसे इस तरीके से भी आप लोग रख सकते हैं और ऐसा भी करके रख सकते हैं, कैसा भी चाहे तो आप लोग रख सकते हैं।
और इसमें और एक है, इसमें एक चार्जर दिया हुआ है, 2 एम्स चार्जर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक चार्जर, चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, USB चार्जर। और मेरा हज़ार्ड लाइट भी इसमें इंस्टॉल किया हुआ हूँ। इसमें 16 पैटर्न्स है, आप लोगों को दिखा देता हूँ ऑन करके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये चारों इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, चारों इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इसमें 16 पैटर्न्स है, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा पैटर्न है, ये तीसरा है, ये चौथा और ये पांचवा है। यहाँ पे हमारा बाइक में सेंटर लॉकिंग भी है, ये सेंटर लॉकिंग का दोनों चाबी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें रिमोट भी स्टार्ट कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं, दोनों है इसमें। यहाँ पे आप लोग दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये हमारा दूसरा चाबी है और एक कार जैसा चाबी है। यहाँ पे देखिए इसमें ऐसा डाला तो अभी ये जो ऑन हो गया, डिस्प्ले ऑन हो गया, देख सकते हैं आप लोग। और इसको ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से, और इसकी मदद से गाड़ी स्टार्ट भी कर सकते हैं। आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाड़ी में चाबी नहीं है और यहाँ पे मेरे हाथ में चाबी है। ये सेंट्रल लॉकिंग है, इसको हम लोग को अभी क्या करने वाले हैं, इसको अभी हम लोग इसको लॉक करने वाले हैं। आप लोगों को दिखा देता हूँ लॉक करके। इसको हम लॉक करते हैं, लॉक करने के बाद एक बार देखिए लाइट इंडिकेटर सब इंडिकेटर ब्लिंक होता है। हमने अभी इसको गाड़ी को लॉक कर दिया है। उसके बाद जहां आप लोग घर में या कहीं भी बाहर में जाते हैं, तभी आप लोग गाड़ी पार्क करके कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, तभी आप लोगों के साथ कौन सा गाड़ी के लिए कोई डैमेज भी हो, हमारी गाड़ी को कोई टच किया है तो गाड़ी अलार्म होने लगती है। आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, गाड़ी अभी लॉक है, मैं इसको थोड़ा टच करके आप लोगों को बता देता हूँ। एकदम गाड़ी सायरन होने के लिए हो जाती है, अलार्म होती है, ऐसे आप लोग गाड़ी को सेफ रख सकते हैं कहीं भी आप लोग। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको भी हमने विनाइल लगा दिया है, ये देखने में KTM बाइक जैसा दिख रहा है। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको कैसे फिनिशिंग हुआ है इसका। और इसके बाद हमारा एक इसको मैंने जॉम्बीकर का नाम दिया है। कैसा लगा करके मुझे कमेंट कीजिए, और मेरा मॉडिफिकेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसा ही आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा।